नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीशंकर पांडे। मैं आज आपसे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के चौथे चरण यानी कि मॉड्यूल 4 के इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, इससे पहले एक निवेदन भी है कि अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि उपयोगी होता है, आपके काम आता है, तो आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। दोस्तों, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य ऐसे शासन प्रणाली से है जिसका मुखिया राजा या महाराजा होता है, जो कि प्राचीन समय में कहानियों में, कथाओं में होता था। और देश को आज़ादी मिलने से पहले हमारे देश में राजतंत्र ही था, राजा महाराजा ही थे। अलग अलग जो स्टेट आज आपको दिखता है वो अलग अलग देश के रूप में बटे हुए थे और सभी का जो मालिक होता था राजा होता था। तो इनमें जो निर्णय लेने और सरकार चलाने के लिए जो मुख्य रूप से जो मेन आदमी होता था वह राजा होता था। तो इसलिए इसका उत्तर होगा राजा या रानी, तीसरे नंबर पर दिया हुआ है। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चर्चा हम और कर लेते हैं कि आजकल हमारे देश में जो है राजतंत्र समाप्त कर दिया गया है और लोकतंत्र की बहाली की गई है और हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में निर्णय राजा ही लेता है और शासन भी वही चलाता है। तो राजा या रानी, ये उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सामाजिक अध्ययन होता था, आजकल वह सामाजिक विज्ञान हो गया है। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। मॉक संसद का मतलब होता है कि जो हमारे देश में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा है, तो उसमें जो संसद भवन है तो उस संसद भवन का एक नकली प्रारूप बनाया जाता है और उसमें भी एक सभापति होता है, उसमें भी पक्ष होता है, विपक्ष होता है। तो ये सब करना मॉक संसद का स्वरूप कहलाता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि राजनीतिक संस्थाएं संसद में कैसे काम करती हैं, कैसे कामकाज वो करती हैं, उनके प्रति जो समझ विकसित करना ही इसका मूल उद्देश्य होता है। तो दूसरा उत्तर इसका ये मुझे सही लग रहा है। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, ये तो सही है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, जबकि ग्लोब जो है महाद्वीपों का सही आकार दिखाता है। तो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ये उत्तर ही इसका सही उत्तर होगा। इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, 23.5, हम लोग जब पढ़ते थे तो 23.5 डिग्री सही 1/2 लिखता था। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है, उस किसको जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में मकर रेखा को जाना जाता है, ये उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है कि अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा उस ग्लोब की सबसे बड़ी रेखा को कहते हैं, तो ये उत्तर सही है और इसको हम टिक करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कॉलम ए को बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ देखिए राइट साइड में एक लाल उल्टा तीर दिखा है, उसको क्लिक कीजिए तो आपको ये प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने। जैसे है पांडुलिपि, दूसरा इधर बी में शिलालेख है, स्मारक है, डी में पुरातात्विक साक्ष्य ईंटों पर उत्कीर्ण करना है और इधर राइट साइड में दिया हुआ है। तो जो ए है इसका पांडुलिपि किसको बोलते हैं, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें जो पहले भोजपत्र वगैरह पर लिखे जाते थे उनको पांडुलिपि कहा जाता था। शिलालेख क्या था, पत्थरों पर जो लेख लिखा जाता था उसको शिलालेख कहते थे, इसमें चौथे नंबर पर दिया हुआ है। सी में लिखा है स्मारक, उसका उत्तर होगा कि अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से
खोद कर निकाली गई हों या जमीन पर स्थित हों। डी है पुरातत्विक साक्ष्य कि जो चीज़ें जो जमीन से खोद करके निकाली जाती हैं, बहुत खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उनको पुरातत्विक साक्ष्य कहते हैं। तो फिर से हमको जब प्रश्न में आना है, इसमें से जो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला दिया हुआ है, ये उत्तर सही है, इसको क्लिक करेंगे हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस प्रश्न के उत्तर को बहुत सावधानी से कीजिएगा। अगला प्रश्न है साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब कि वे कौन कौन से साधन हैं जिससे साहित्य के बारे में पता चलता है। तो चार ऑप्शन हैं, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, दूसरा है इमारतों, गड्ढे में बने घर, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियां, और अंतिम में लिखा है महाकाव्य पुराण स्मृति। तो ये उत्तर सही लग रहा है, इसी से आपको साहित्य के बारे में पता चलेगा। इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय, आजीविका मतलब अपना जीवन यापन करने के जो साधन हैं उनके बारे में पढ़ाते समय कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। पहला है ड्रॉ यानी उसका चित्र उकेरना, चित्र खींचना, लिखें और चर्चा करें। दूसरा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना यानी केवल लेक्चर देना। और तीसरा है पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ना। और चौथा है बहसों का आयोजन करना। तो मुझे लगता है कि किसी भी आजीविका के बारे में जब हम पढ़ाएं तो उसका एक जीवंत चित्रण हम प्रस्तुत करें, उसके बारे में लिखें और तब जाके चर्चा करें, यह विधि सबसे सही होगी। तो पहला उत्तर मुझे सही लगता है, इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी विधि शिक्षार्थी यानी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है के द्वारा सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के अवसर हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना और केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। तो परियोजना आधारित ज्ञान यानी एक परियोजना दे दिया जाए, एक प्रैक्टिकल दे दिया जाए, आप उसको शोध कीजिए और खुद कीजिए और प्रयोग करने के बाद उसको लिखिए, ये सब जो है परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा। तो परियोजना आधारित ज्ञान सबसे सही रहेगा, इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है, मतलब सामाजिक विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो यह क्या बढ़ावा देता है। चार ऑप्शन है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। अगला है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। और चौथा है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। तो इसका जो दूसरे नंबर का उत्तर है ये ज़्यादा सही लग रहा है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। इसको क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए सबमिट टू कंटिन्यू आ गया, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप 0। इसको आप सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर होता है। योर स्कोर इज 10 out of 10। तो दोस्तों इस प्रकार आप बड़ी ही सावधानी से प्रश्नों के विश्लेषणात्मक उत्तर को देख कर आप अपने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं और 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।